हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट टाइम का चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स होते क्या हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ये चीज हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर विद इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स चलिए इसकी डेफिनेशन है। दीज आर द सब्सटेंस that helps to identify the nature of this chemical, chemical का nature बताता है। That is, अगर हम बात करें क्या मतलब, that is वो एसिड है, एसिड और बेस, वो एसिड है या बेस है उसको समझाता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे इनिशियल स्टेज में एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका टेस्ट यूज किया जाता था। जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज था वो है टेस्ट। तो टेस्ट किया जाता था, अगर केमिकल खट्टा होता था, सारिन टेस्ट होता था, तो उसे कहा जाता था एसिड, और अगर बिटर इन टेस्ट होता था वो आपका बेस बन जाता था। इसके साथ साथ बाद में इन इंडिकेटर्स को डेवलप किया गया, कुछ ऐसे आइडेंटिफाई किए गए, कुछ ऐसे केमिकल्स जो क्या करते हैं अपनी, या तो अपनी कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, या तो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, उसके हिसाब से हमें वो बताते हैं कि एसिड है या बेस है। ठीक है, तो इन टाइप के जो स्पेशल सब्सटेंस थे उनका नाम दिया गया इंडिकेटर। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज के हुए बाद में। दो कैटेगरीज क्या क्या थी अगर हम बात करें तो इनमें दो कैटेगरीज आई। एक तो होता है जो कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज इसमें होता है, ठीक है, इन्हें डाइज भी कहा गया, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्मेल चेंज, जिनमें स्मेल चेंज जाती है, और इन्हें क्या कहा गया, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा गया। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कह रहे थे इंडिकेटर्स, तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे और ये डाई इंडिकेटर्स थे। तो आपके दो टाइप के इंडिकेटर्स हो गए, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड डाई इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये दो टाइप के आपके इंडिकेटर्स आपकी कैटेगरीज बन गई। डाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो चेंज इन कलर शो करते हैं, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो अपना स्मेल चेंज करते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं The indicators that changes its color to identify acid or base. एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए वो अपना कलर चेंज कर रहे हैं, ऐसे इंडिकेटर्स को क्या कहा गया, आपके डाई इंडिकेटर्स कहा जाता था। ठीक है, एग्जांपल में बात कर लें इसकी, तो हमारे पास एक है लिटमस, लिटमस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज टर्मरिक जो हल्दी होती है वो, ठीक है, फिनोफ्थलीन और बहुत सारे हैं, उनको आप एक बार एक टेबल आउट कर देंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, दीज आर द डाई इंडिकेटर्स जो अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा यही यूज किए जाते हैं। फिर आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, देयर आर सम इंडिकेटर्स दैट चेंजेस देयर कलर, वो अपने कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे इनको लिख लेते हैं, द इंडिकेटर्स दैट चेंजेस देयर स्मेल टू आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स एंड बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, ये अपने कलर, अपने ये तो वो तो कलर था, ये अपना क्या कर देते हैं, स्मेल चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे खुशबू चेंज हो जाती है इनकी।
एग्जाम्पल इनमें भी बात करें तो इनमें आते हैं वेनिला, ठीक है, अनियन, क्लॉव एक्सेट्रा, ठीक है, ठीक है। और भी ऑयल्स हैं जो करते हैं हमारे लिए, हम वेनिला, अनियन, क्लॉव ये एग्जाम्पल्स में है। क्लियर? तो हमें ये समझ आ गया इंडिकेटर्स क्या होते हैं। दीज आर द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड्स या डिफरेंशिएट नेचर ऑफ द केमिकल बताने के लिए यूज होते हैं। तो ये बताते हैं आपका ये एसिड है या फिर बेस है। क्लियर? वो होते क्या है, दो कैटेगराइज हो रखे हैं, जो कि एक तो होता है जो चेंज इन कलर करते हैं अपना, उन्हें कहते हैं डाई इंडिकेटर्स कहा जाता है, और जो चेंज इन स्मेल दिखाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, एग्जाम्पल में हम बात करें तो डाई इंडिकेटर्स में आते हैं आपके लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, टर्मरिक, फिनोफ्थलीन, ठीक है, और बहुत सारे आते हैं आपके एक्सेट्रा। ठीक है, और आपका स्मेल में अगर बात करें तो इसमें आपके आते हैं अनियन, क्लॉव और आपका टर्म, ये आपका वनीला, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये आपके रहते हैं। क्लियर? चलिए एक और क्लासिफिकेशन है इंडिकेटर्स की, उसके बारे में समझते हैं, आगे बात करेंगे। चलिए फर्दर क्लासिफिकेशन हम बात करें, एक तो ये हो गया कि डिपेंडिंग ऑन द किस तरीके का चेंज शो करते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन थी इंडिकेटर्स की, ये थी डिपेंडिंग ऑन द चेंज किस तरीके से शो करते हैं। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टेनिंग, कहां से ऑप्टेन किया गया है, ठीक है, कहां से ऑप्टेन किया गया है, उसके हिसाब से आपके इंडिकेटर्स दो और फर्दर क्लासिफिकेशन में है। ठीक है, तो वन इज नेचुरल इंडिकेटर्स और अनदर इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक मतलब वही है आपका मैनमेड जो लेबोरेटरी में क्रिएट होते हैं, नेचुरल मतलब जो कि ऑप्टेन फ्रॉम नेचर, इसको हम ये है ऑप्टेन फ्रॉम नेचर, नेचर से मिले हैं, नेचर से मिल जाते हैं, ठीक है। और सिंथेटिक क्या होते हैं, जो कि लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी मिल जाते हैं। ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स जो हमारे को नेचुरली मिल जाते हैं, जैसे कि अगर हम अभी बात करें तो वन इज लिटमस, ये हमें पाया हमें मिलता है लिचिन से, ठीक है, उससे हमें पर्पल डाई बनती है, उसमें ये हम वहां से हमें मिल रहा है, तो नेचुरली ये अनियन आपका आ गया, ठीक है, टर्मरिक आपका आ गया, एक होता है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, वो भी हमारा रेड कैबेज जो होता है वो भी हमारा क्या रहता है, इंडिकेटर का काम करता है। तो ये सारे जो है नेचर से मिल रहे हैं, नेचुरल थिंग से मिल रहे हैं, ऑर्गेनिक थिंग से मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरे जो है हम बात कर रहे हैं सिंथेटिक, दीज आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, एग्जाम्पल फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, ठीक है, फिनोफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज एक्सेट्रा। तो ये आपकी क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए सिंथेटिक जो हमारे लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन और बन गई, ठीक है, पहली क्लासिफिकेशन थी कि वो आपका क्या डाई शो करता है और स्मेल शो करता है, तो वो था। दूसरा क्या हो गया, ये कहां पे पाया जाता है, ये आपका पा, ये कहां से मिल रहा है, दूसरा क्लासिफिकेशन वहां से आता है, तो वो है नेचुरल इंडिकेटर्स एंड अनदर आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्लियर हो गया? तो एक ये आपका क्लासिफिकेशन होता है। चलिए ठीक है, अब हम ना टेबल आउट कर देते हैं अपनी चीजों के लिए, जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े तो वो किस तरीके से इंडिकेशन शो करते हैं, एसिडिक मीडियम में कैसे शो करते हैं, बेसिक मीडियम में कैसे शो करते हैं, उसको टेबल आउट कर देते हैं। तो हम यहां बात करेंगे इंडिकेटर्स की, इंडिकेटर्स एसिड मीडियम में क्या शो करते हैं और बेस मीडियम में क्या शो करते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है,
तो हम सबसे पहले बात करते हैं डाई इंडिकेटर्स की, समझ लेते हैं डाई इंडिकेटर्स को समझते हैं। सबसे पहला इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस, लिटमस का बेसिकली एक परपेंडिकुलर डाई होती है, ठीक है, उसको हम पेपर में अब्सॉर्ब करवा दे तो लिटमस पेपर बन जाता है। अगर सॉल्यूशन ही रहेगा तो लिटमस सॉल्यूशन हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज होना है, लिटमस एक ही चीज, वो वाटर की लिक्विड की फॉर्म में यूज कर रहे हो तो लिक्विड वो लिटमस सॉल्यूशन हो जाएगा, और अगर वो पेपर की तरह यूज कर रहे हो तो वो लिटमस पेपर हो जाएगा। पेपर में अब्सॉर्ब करा लिया फिर उसको आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो लिटमस आपका एसिड में रेड कलर का होता है। कौन से रेड कलर का मिलता है, और बेस में कौन से कलर का होता है, ब्लू। तो लिटमस जो है वैसे पर्पल कलर की डाई होती है, एसिड में डालोगे आप रेड हो जाएगी, बेस में डालोगे ब्लू हो जाएगी, ठीक है। अगला है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये भी एसिड में डालने में रेड हो जाती है, रेड या पिंक किस कह लेते हैं, और बेस में ये येलो रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फिनोफ्थलीन। ये जो ज्यादातर कॉमनली यूज होते हैं वो है फिनोफ्थलीन, ठीक है। तो ज्यादातर यूज ये आपको मिलेंगे लैबोरेटरी में, आपको फिनोफ्थलीन मिलेगा आपको बहुत ज्यादा। तो ये बेसिकली क्या होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, कलरलेस, वाटर की तरह रहेगा, लेकिन जैसे ही बेस में जाएगा ये पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेडिश पिंक होता है, पिंकिश कलर, ये पिंकिश कलर उस तरीके से रहता है, क्लियर। तो आपका एक वो भी ले लेते हैं, जैसे टर्मरिक ले लेते हैं एग्जांपल, टर्मरिक हल्दी जो होती है, एसिडिक मीडियम में येलो ही रहेगी और बेसिक मीडियम में रेड कलर हो जाता है इसका। जब आप टर्मरिक का कोई भी, अगर आपका हल्दी का कोई दाग लग जाए आपके कपड़ों में और उसको साबुन से घिसेंगे तो साबुन होता है बेस, और वो जैसे ही उस पर घिसेंगे आप तो रेड कलर का हो जाएगा। तो वो बेसिकली क्या शो करता है कि वो बेसिस रेड कलर के होते हैं, ये आपको आइडेंटिफाई कराता है, ठीक है। तो दीज आर सम इंडिकेटर्स जो हमारे को यूज होते हैं, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उनका सबका अलग अलग आइडेंटिफिकेशन रहता है। जो जनरली है वो आपका लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोक्सिलीन आपको देखने को मिलेंगे। ये है आपके डाई इंडिकेटर्स जो डाई की फॉर्म है। नेक्स्ट आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिसमें स्मेल का यहां होता है, यहां कलर था, ठीक है। इसमें कलर का दिखता है, डाई का चेंज हो जाता है कलर। और अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में, सबसे पहला आता है वैनिला। वैनिला केक्स जो होते हैं, अनियन के बारे में पढ़ेंगे, और क्लॉव, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, ये तीनों की तीनों अगर हम बात करें, बेसिस में जाने में लूजेस देयर स्मेल, लूजेस देयर स्मेल, या लिख देते लूजेस स्मेल, ठीक है, स्मेल लूज कर देता है, ये भी तीनों के तीनों लूज स्मेल कर देते हैं। और एसिड में जाने के बाद ये करते हैं रिटेन देयर स्मेल, स्मेल को रिटेन रखते हैं, ठीक है। सेम चीज, स्मेल सबके अलग अलग है, अनियन एसिडिक मीडियम में रखोगे तो स्मेल अपना वो मेंटेन रखेगा, और वरना बेस में रखते ही वो अपना लूज कर देगा स्मेल को, क्लियर। तो इस तरीके से ही आपका आइडेंटिफिकेशन शो करता है कि कैसी आपकी, मतलब अगर एसिडिक मीडियम में रखा अनियन को, उसकी स्मेल रहेगी, मेंटेन रहेगी, जैसे उसको बेस में डाला स्मेल खो जाएगी। क्लॉव का लॉन्ग जिसे हम कहते हैं, तो लॉन्ग अगर एसिडिक मीडियम में जाएगा तो उसकी स्मेल रहेगी, बेसिक मीडियम में चले जाएगा तो वो अपनी स्मेल खो देगा। तो इस तरीके से ये आपके क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं, जो कि शो करते हैं किसी भी अगर नेचर को कहें केमिकल का नेचर एसिडिक है या बेसिक है, उसको शो करते हैं, क्लियर, समझ आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपके इंडिकेटर्स जो आपके जनरली यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इंडिकेटर्स जो है ना, डाई इंडिकेटर में ज्यादातर हम यूज करते हैं, स्मेल इंडिकेटर वालों को हम ज्यादा यूज नहीं करते, डाई इंडिकेटर्स आर जनरली यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज एज वेल एज आपकी लैबोरेटरीज में ये यूज किए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। ये तो हो गए आपके एसिड और बेस को दिखाने के लिए। एक ऐसा इंडिकेटर है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेटर इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है अभी समझते हैं।
ये इंडिकेटर बेसिकली मिक्सचर है बहुत सारी डाइस का, ये अकेली एक डाई नहीं है, इसमें बहुत सारी डाइस मिक्सअप है, ठीक है। और ये मिक्सअप होने के बाद इसका क्या रहता है, अगर न्यूट्रल है तो ये ग्रीन कलर शो करेगा, और अगर एसिडिक जाएगा तो रेडिश की तरफ को ट्रेंड करेगा, और जैसे आप बेसिक जाओगे तो वो ब्लूइश की तरफ को ट्रेंड करता है। तो इस तरीके से वो अलग अलग कलर जो है वेरिएशन दिखाता है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि कौन किस लेवल का बेस है या एसिड है, ठीक है। तो ये होता क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ number of dyes that helps in identification of acid and base. एसिड एंड बेसिस, खास बात देखो एसिड और बेस तो ये और सारे भी दे रहे थे, तो ये अलग से क्या है इसमें फायदा, इसमें एक और फायदा है, अलोंग विद इट्स स्ट्रेंथ, वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसको भी ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है बेसिकली ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि एसिड है बेस है, वो तो करता ही करता है, प्लस कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो ये वर्क किस पे करता है, बेसिकली इसमें यहां से कंसेप्ट आता है पीएच का, ठीक है, पीएच का कंसेप्ट आ जाता है। होता क्या है, डिग्रेडर आपको समझा देते हैं, इस तरीके से एक स्ट्रिप आती है, ठीक है, आप ये स्ट्रिप्स आई आगे, इसमें आइडेंटिफिकेशन होता है, कलर्स दिखा रहे होते हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कलर्स आपको दिख रहे हैं यहां पर दिखा रहे हैं, ठीक है। बीच में 14 है, ठीक है, सेंटर बिल्कुल सेंटर, ठीक, तो सेंटर जो है आपका यहां वाला पोर्शन, ठीक है, ये जो है आपका बिल्कुल बीच में, ये आपका ग्रीन कलर होगा, यहां वाला जो अगर आप देखेंगे तो इट विल बी ग्रीन कलर, ठीक है, ये होगा ग्रीन कलर का, और ये शो करता है न्यूट्रल, ये शो करता है न्यूट्रल कि आपका क्या है, न्यूट्रल है, ये जो पोर्शन है यहां वाला जो होगा तो पूरा अलग, ये ऐसा पूरा सॉलिड होता है, कोई लाइनिंग डिफाइंड ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है आपको शो करता है, यहाँ पे ग्रीन कलर है, ये वाला लाइन ये शो करता है कि दिस इज न्यूट्रल पार्ट, और जैसे जैसे आप इधर को जाएंगे ये कलर ग्रीन है, और जैसे जैसे आप इससे इधर को जाएंगे तो ये रेड की तरफ ट्रेंड करेगा, और उधर को जाएंगे तो ये ब्लू या पर्पल जिसे कहते हैं डार्क वाले की तरफ ट्रेंड करेगा। इधर को हम जाने का मतलब है एसिड है, और इधर को जाने का मतलब बेस है, ठीक है। सबसे किनारे वाला जो लास्ट में जो है ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बिल्कुल पास में वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक है, यहां पे आपका क्या रहेगा, वीक बेस, यहां पे आपका हो जाएगा वीक बेस, और वहां पे क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर होता है, कलर्ड होता है, आप इसको ना आप देखेंगे तो ये कलर्ड फॉर्म में होता है, बीच में आपका ग्रीन कलर होता है, उस साइड हो जाता है तो रेडिश कलर को चेंज होता रहता है, और यहाँ पे आपका इधर हो जाता है वॉलेट की तरफ, ब्लू या वॉलेट हम जो कह सकते हैं, उस साइड को चलता चला जाता है। तो जितना ज्यादा आप नीचे को आएंगे, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और उधर को जितना ज्यादा आएंगे उधर को बेस होता चले जाएगा। तो इनको नंबरिंग दी जाती है बेसिकली, ये बीच वाला होता है 7, 7 मीन्स न्यूट्रल, ठीक है, 1 2 3 4 5 6
सेवन, ठीक है। तो इस सेवन वाले में आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये ऐसे इस तरह से नंबरिंग होती है। सेवन मतलब होता है न्यूट्रल ग्रीन कलर, और जैसे जैसे आप इधर को जाएंगे वन की तरफ तो रेड कलर की तरफ ट्रेंड होता रहेगा, और आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये वन से लेके 14 तक जो होता है, ये जो नंबर लिखे गए हैं, ये है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, कि कितना पीएच है उस चीज का। क्लियर, इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब बात करते हैं पीएच क्या होता है। तो अगर हम यहीं पे समझे तो पीएच जो है आपका बेसिकली पीएच आपका होता है बेसिकली माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन। क्या होता है, जब भी हम एसिड या बेस को जो पानी उसमें डालते हैं सॉल्यूशन में डालते हैं, तो एसिड जो होगा वो तो एच प्लस आयन देगा, वो है क्या देगा एच प्लस आयन देगा, और जो दूसरा है आपका बेस वो ओ एच माइनस आयन देगा। तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन को ट्रेस करते हैं, और पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन। लॉग ये क्या है, लॉग इज अ फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ठीक है। ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ये क्या है एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन। लॉग टेबल्स अब जनरली यूज नहीं होती है, नहीं तो आपको एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन दी जाती थी, तो आप उसको रखोगे पुट करोगे यू विल गेट द आंसर कितना पीएच है आपका, ठीक है। तो जैसे अगर हमें ये आपको पीएच का फॉर्मूला यूज होता है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको किसी ने बोल दिया कि एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन जो है वो है आपकी 10^-5 सॉल्यूशन में, ठीक है, 10^5 m मोलैरिटी कंसेप्ट है नहीं है, मतलब अगर आपको बता देते ये ऐसा होता है बेसिकली। तो ये एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन में की तो पीएच आप निकालेंगे तो इट विल बी माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। क्लियर, अब क्या है माइनस लॉग लिख देते हैं, एच का क्या होता है 10^-5 लिखा हुआ है, तो कंसेप्ट ये जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है सबसे आगे। तो आप अगर माइनस माइनस फाइव लॉग टेन, लॉग टेन की वैल्यू होती है 1, और 5 इंटू ये तरह हो गया माइनस माइनस करोगे तो आपका आएगा 5, तो पीएच आपका आ गया 5। तो ये कौन सी जगह पे आ गया, इस जगह पे आ गया। तो आप ये सीधा कह दोगे कि अगर मेरी कंसेंट्रेशन 10^-5 है तो इट विल बी अ एसिड, क्योंकि वो एसिड है, वो 7 से कम चली जा रही है तो एसिडिक फॉर्म में, ठीक है। अब यहीं पे अगर कंसेंट्रेशन आपकी 10^-8 हो जाती तो आपका कंसेंट्रेशन आता है यहां पे 8 आता आंसर, तो 8 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है, तो आपका बेस हो जाता है। तो आपका एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन को ट्रैक करते हैं और उससे हम पता कर पाते हैं कि पीएच कितना है। क्लियर, अब आपके में जो हम बात करें तो ये पीएच जो हमारे आसपास डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पीएच यूज होता है, तो कुछ एक कॉमन पीएचएस हैं वो लिख लेते हैं, वो समझा लेते हैं, ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। फिर इनका डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज होता है, कैसे हम करते हैं, क्या होता है, वो सब समझते हैं। तो जो पीएच है आइटम्स लिख लेते हैं और उनका पीएच, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम आते हैं एचसीएल एसिड, जो एचसीएल एसिड हम बात करें पेट में जो होता है हमारा, हम गैस्ट्रिक जूसेस करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस वाला जो पेट में जो हमारे एचसीएल एसिड है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, सुना होगा हमने, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 से लेकर 3 के आसपास पीएच इसका होता है, जितना 1 के पास जाएगा एसिडिटी बढ़ती जाएगी आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स आर वेरी डेंजरस फॉर, ठीक है, आप हमारे आवर बॉडी, क्योंकि इनके पास पीएच होता है 3 होता है, एसिडिक होता है ये बेसिकली, तो पीएच 3 होता है इसका, ये भी हमारे लिए होता है हार्मफुल होता है। बैटरी जो आपका एसिड बैटरी आती थी है ना, जो एसिड बैटरी होती है, बैटरी में जो एसिड डलता है ये जनरली सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसका पीएच होता है 0.5। अगर मैं कंसेंट्रेटेड एचसीएल ले लेता हूँ कंसेंट्रेटेड एचसीएल, वो बिल्कुल ही 0 के आसपास आपका पीएच होता है, 0 से है ना, 0 के अप्रोक्सीमेटली होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है।
और अगर हम बात करें बेसिस में चले ह्यूमन में बात करें ह्यूमन ब्लड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन जो है हमारी बॉडी की वो है 7 से लेके 7.8 पीएच होना चाहिए 7 से 7.8। तो किसी भी बुक में एवरेज आउट करके 7.4 बोला हुआ है तो वो कोई नहीं 7 से लेके 7.8 तक के बीच में वर्क करता है हमारा। हमारे को अगर पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दैट इज MgOH होल ट्वाइस जो बेस है डाइजीन और ये सब में तो इसका पीएच होता है जनरली 10 इसका पीएच होता है 10 तो ये बेसिक है ठीक है। तो हमारी बॉडी का भी देखेंगे तो 7 से बड़ा है तो ये पीएच बेसिक होता है 7 से ग्रेटर जो बेस होगा वो उसका पीएच जो होगा पीएच 7 से ग्रेटर होगा ठीक है। और एसिड का जो होगा बेस जो पीएच होगा वो लेस देन 7 होगा ठीक है। ये इस तरीके से रहता है क्लियर। तो ये आपके पीएच का तरीका होता है ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं पीएच इन आवर डे टू डे लाइफ। तो ये हमारे यूज कहां होता है ये चीज हमें समझनी है थोड़ा सा समझ लेते हैं तो पॉइंट आउट हो जाएंगे ठीक है। इन एवरी डे लाइफ में अगर हम बात करें पीएच इन एवरी डे लाइफ हमारे दिन भर में कैसे यूज होता है वो चीज होता है हमारे आसपास बहुत सारी चीजें उन सब में पीएच यूज हो रहा होता है कहीं ना कहीं तरीके से। तो कहां पे कैसे चीजें पीएच का रहता है इफेक्ट रहता है वो समझते हैं। सबसे पहले तो हम ह्यूमन बॉडी के लिए बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी जो होती है बॉडी वर्क्स इन पीएच रेंज जो पीएच रेंज होती है 7 to 7.8 अभी बताया ठीक है ना क्लियर। तो 7 से 7.8 में काम करती है। समटाइम कभी कभी हमारे जो पेट में गैस्ट्रिक जूसेस जो सिक्रेट हो रहे हैं वो ज्यादा हो जाते हैं ठीक है। तो ज्यादा होने की वजह से हमारे को क्या होता है एक प्रॉब्लम हो जाती है एसिडिटी। वो जो एसिड है वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में आने लग जाता है और वो क्या हो जाता है वो हमारी जहां जहां जाएगा जितने ऑर्गन्स में जाएगा उनकी वर्किंग को इफेक्ट करेगा और जब वर्किंग को इफेक्ट करेगा तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी उसमें प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है हमें उस टाइम पे जब हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है हमें डाइजीन या हम जो कहते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कह रहे हैं वो लेना पड़ता है जिससे कि हम अपने आप का अपना पीएच कम कर सके ठीक है। तो वर्क्स इन द रेंज ऑफ 7.7 और 7 से 7.8 बट due to acidity this pH decreases resulting in various issues अगर हमारे पास आते हैं। देखो हमारे पास एसिडिटी हमारी बहुत सारे तरीके से बढ़ती है। हमारा सबको सो पेट में गैस्ट्रिक एसिडिटी बढ़ गई वो हो गया यूरिक एसिड बढ़ गया। यूरिक एसिड इज यूरिया में जो जाता यूरिन निकलता है उसमें जो एसिड बनता है आपके जो सेल्स हैं वो एसिड बना रहे हैं। ब्लड जो आपकी किडनी है वो प्रॉपरली ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पा रही है बाहर नहीं निकाल रही उस एसिड को जो बन रहा है हमारी बॉडी में। तो वो क्या हो जाता है उस टाइम पे हमारी बॉडी का पीएच जो है वो चेंज हो जाता है एसिडिक बन जाता है। तो हमारी बॉडी पे क्या होता है वेरियस इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं ठीक है रिजल्टिंग इन वेरियस इश्यूज क्लियर। तो तब हमें क्या करना पड़ता है तब हमें ऐसी मेडिसिंस लेनी पड़ती है जो हमारी बॉडी का पीएच कम करे। लोगों के पैर फूल जाते हैं स्वेलअप हो जाते हैं हाथ मुंह आपका स्वेलअप हो जाता है इस पीएच की वजह से। अगर पीएच क्या हो गया कम हो गया रेंज एसिडिक मीडियम में चले गया एसिडिक फॉर्म में चले गया। तो एक तो ये आता है आपका पहला ठीक है। सेकेंड फॉर्म बात करें एग्रीकल्चर लोग की बात करते हैं ठीक है ना। For better agricultural yield, pH of the soil should be maintained। अब ये जो pH होता है जैसे soil का समझते हैं देखिए maintain हमारी जो सॉइल है कहीं कहीं पे एल्कलाइन होती है। एल्कलाइन मतलब बेसिक है कहीं कहीं पे एसिडिक हो जाती है। इसका रीजन क्या है हमारे को
वहां पे कंडीशन कैसी मिल रही है, आपकी रेन कैसी हो रही है, रेन ज्यादा हो रही है, वॉश आउट तो नहीं कर रही है आपकी सॉइल को, ऊपर से ह्यूमस को निकाल के ले गई, फर्टिलाइजर आपने कैसा डाल दिया, एसिडिक, कोई फर्टिलाइजर तो नहीं जो एसिडिक है नेचर में, तो इस टाइप से बहुत सारे फिनोमेना होते हैं जो पीएच को हिला देते हैं आपकी सॉइल के। और ये कब कंसेप्ट आया, ये कंसेप्ट भी तब हुआ जब हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, वीडिसाइड्स डालने लगे। तो जब पीएच है आपका वो अगर मूव होगा, चेंज हो गया, तो हमारे जो आपकी क्रॉप्स है वो यील्ड नहीं दे पाएंगी, वो अच्छी पैदावार नहीं दे पाएंगी, और उससे क्या होगा, किसान लॉस होगा। तो पीएच क्या है, आज की डेट में क्या होता है, जब किसान अपनी खेती स्टार्ट करता है तो वो अपनी जो मिट्टी है उसको चेक करवाता है, और जनरली उसमें ये पीएच चेकिंग होती है कि आपका पीएच कैसा है। अगर वो ज्यादा एसिडिक है तो वो बोलते हैं भैया एसिडिक वाला पीए मत डालना, उसको रोक देते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से वो चेकिंग कर करके आप ये चीजें देख सकते हैं। तो ये दो चीजें समझ आ गई। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो हमें समझ आ रहा है पीएच हमारी डे टू डे लाइफ में है, एग्रीकल्चर में भी हमारा काम आ रहा है, हमारी जो लाइफ है उसपे भी काम आ रहा है। एक जगह पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जब हमारे जो टीथ है, हमारे जो टीथ होते हैं अगर हम बात करें तो ये अगर हमारा टीथ है, अगर मैं एग्जांपल लेते हैं तो ये रूट्स हो गई एंड सब है ना, इस तरीके से इसके ऊपर टीथ में हम बात करें तो सबसे ऊपर मतलब एक जो लेयर होती है उसे कहते हैं एनामल, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ मतलब हार्डेस्ट बोन कह लीजिए टीथ की, एनामल की वजह से हो जाता है, हार्डेस्ट पार्ट है ये, इसको इससे आप बहुत चीजों को आराम से मतलब चू कर सकते हो, है ना, कोई भी हार्ड चीज उसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, ये बहुत ज्यादा ताकत रखता है एनामल। बट इसकी एक एक प्रॉब्लम है, ये क्या करता है, अगर इसका पीएच, अगर इसका पीएच 5.5 से नीचे चले गया, ठीक है, इससे ऊपर होना चाहिए, बेसिक रहेगा तो बहुत अच्छा, एसिडिक नहीं जाना चाहिए। अगर अगर हम बात करें जो हमारे दांतों का पी, दांतों में जो हमारे आसपास का पीएच है वो एसिडिक, ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, एसिडिक होगा तो ये टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, व्हेन पीएच है ना बिकम्स लेस देन बिकम्स पीएच ऑफ माउथ कहते हैं, है ना, माउथ बिकम लेस देन 5.5 टूथ डीके स्टार्ट, टूथ डीके स्टार्ट, जो टूथ डीके क्या होता है, जी एनामल यानी गले लग जाता है, ये क्या होता है, गले लग जाता है। अब बात आती है ऐसा होता है कैसे, अब देखिए आपने खाना खाया और आप रिलैक्स करके सो गए, ठीक है, रात को सो गया, अब हुआ क्या, जो आपके मुंह में जितना भी फूड के पार्टिकल छोटे छोटे बचे हुए थे कहीं पे, ये बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया से उन्होंने खाना स्टार्ट किया, और जब ये बैक्टीरिया खाना स्टार्ट करते हैं तो इसी क्या करते हैं, एसिड लिबरेट करते हैं, ये एसिड आउट निकालते हैं, और ये एसिड जब आपके माउथ में, क्योंकि आप रात भर सो रहे हैं तो आपको बोल तो रहे नहीं है, जब हम बोल रहे हैं तो स्लाइवा आ गया मुंह में, ठीक है, वो कंट्रोल कर देता है पीएच को थोड़ा थोड़ा। और लेकिन क्या, अगर आप रात भर है तो रात भर में क्या हुआ, आपका जो फूड पार्टिकल रह गए तो बैक्टीरिया उस पर फीड करेंगे, एसिड बनाएंगे, और आपका पूरा माउथ क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जैसे वो पूरा माउथ एसिडिक हुआ, आपका पीएच कम हुआ, तो ये एनामल जो लेयर है वो डिके होने लग जाएगी, समझ आ गया। तो ये होता है आपका इसमें। लेकिन जनरली क्या, आजकल तो क्या है, आजकल जो हमारे पास आजकल हम फूड खा रहे हैं वो अलग ही लेवल, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक का पीएच 3 होता है, 3 होता है, आपने कोल्ड ड्रिंक डाला मुंह में स्टोर किया थोड़ी देर तक के लिए, वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो जब जब आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है उसके साथ साथ वो एनामल की कुछ लेयर ही निकाल के ले जा रहा है, और ये एनामल की जब लेयर ले जाएगा तो क्या होगा, आपका टूथ क्या होगा, वीक हो जाएगा। एनामल, एनामल के नीचे जो होता है बेसिकली कार्बोनेट की लेयर होती है, ये तो पाउडर फॉर्म में होता है। एक बार एनामल की लेयर गई, जैसे आपकी एनामल की लेयर गई ये खत्म हुआ, फिर यहां से वो पानी के साथ नीचे से अगर आप कुछ खा पी भी रहे हो तो ये डीके होता रहेगा, और ये थोड़ा थोड़ा टाइम बाद नीचे आ जाएगा। यहाँ पे है नर्व्स, और नर्व्स में जब तक नर्व तक डीके आ गया तो आप समझ जाइए फिर आपको क्या होगा, सेंसिटिविटी होने लग जाएगी। सेंसिटिविटी होगी तो आपको क्या होगा, वही जो हम ऐड देते हैं झंझनाहट सी होती है ना, तो ये झंझनाहट सी होने लग जाएगी। तो टू डीके क्या है, बेसिकली एसिडिक मीडियम हो जाता है आपके माउथ का, इसी वजह से सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, टॉफीज, दीज आर द थिंग्स जो स्टिक कर जाती हैं या रहती है, जिसको बैक्टीरिया, शुगर जो होता है आपका, जितने भी शुगर चीज है ये बैक्टीरिया बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से उसे खाते हैं, और बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करके मल्टीप्लाई होते हैं, और एसिड ज्यादा क्रिएट होता है जिससे टूट डीके होता है, समझ आ गया।
तो एक ही पीएच का कंसेप्ट यहां पे भी आता है, जो पीएच है हमारे टूथ का माउथ का वो क्या रहना चाहिए, बेसिक फॉर्म में रहना चाहिए। इसीलिए क्या होता है जब सुबह सुबह हम उठते हैं ब्रश करते हैं जब भी हम, तो ब्रश क्या होता है, ब्रश में जो हम टूथपेस्ट लिया वो बेसिक है, उसका जो पी वो है बेस है, तो बेस क्या करता है हमारे पूरे माउथ का जो पीएच है वो बढ़ा देता है, और इससे क्या टूथ डिके का जो रेट है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, अगर ये टूथ डिके नहीं रोकेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्लस अगर जब हम बात करें एसिड क्रिएट हो रहा है तो बैक्टीरिया और ज्यादा तेजी से क्रिएट हो रहे हैं। फिर एक होती है पायरिया जिसे हम कहते हैं, उसमें स्मेल आने लग जाती है माउथ से, तो वो वाली डिजीज आ जाती है आपको। क्लियर, तो ये आपको समझना चाहिए कि पीएच का क्या रोल है यहाँ पे माउथ में। ठीक है, तो एक ये भी होता है पीएच का। एक और होता है जो मिल्कमैन होते हैं, मिल्कमैन उन्हें क्या है, अब सपोज करिए गांव में मिल्कमैन ने दूध निकाला, वो बेचने आना चाहता है शहर में, तो उसे आते आते रास्ते में 2 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी बहुत दूर रिमोट लोकेशन है तो उन्हें रास्ते तक बहुत दूर तक आने में लग जाता है टाइम। ठीक है ना, तो होता क्या है जो मिल्क है, मिल्क में होते हैं हमारे लैक्टिक एसिड्स, बेसिकली क्या होता है जो मिल्क है आपका, ठीक है जो मिल्क होता है आपका उसका जो पीएच है, ठीक है वो बेसिक वो अगर हम वो उसमें एसिडिक होता है, बेसिकली लैक्टिक एसिड होने की वजह से एसिडिक होता है, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं क्योंकि आसपास बैक्टीरिया है जो कि उसमें करेंगे। बैक्टीरिया क्या करते हैं उस एसिड को, और उसमें जो फैट है बेसिकली जो हम एसिड नहीं कहेंगे फैट जो कह सकते हैं, उस फैट को अपना खाना स्टार्ट कर देते हैं बैक्टीरिया, और वो क्या करते हैं लैक्टिक एसिड बनाते चले जाते हैं, और जिस जब वो लैक्टिक एसिड बढ़ेगा तो पीएच क्या हो जाएगा आपका, इट विल डिक्रीज, और जैसे पीएच डिक्रीज होगा तो मिल्क जो है वो जो हम कहते हैं ना दूध फट गया, तो फटने का रीजन क्या होता है वो एसिडिक होने पे फटता है, और वो एसिडिक जब आपका टाइम लग गया, आपको ट्रैवल में ज्यादा टाइम लग गया, तो वो क्या हो जाता है एसिडिक हो जाता है और फट जाता है। तो इस प्रॉब्लम को फेस रोकने के लिए मिल्कमैन क्या करता है, जब दूध निकाल लिया और उसे जाना है बहुत दूर तक, तो उसमें क्या करता है कोई बेस ऐड कर देते हैं, लाइक बेकिंग सोडा डाल दिया, वो बेस है तो उसमें वो डाल दिया। ठीक है, जैसे वो डाला आपने तो वो क्या हो गया, वो बेस है तो उसका पीएच बढ़ गया, और पीएच बढ़ गया तो क्या हो, जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ होगी स्लो, ग्रोथ क्या होगी स्लो हो जाती है, और इस ग्रोथ स्लो ग्रोथ की वजह से लैक्टिक एसिड ज्यादा बनता नहीं है, मिल्क का पीएच मेंटेन रहता है, और जब आप उसको उबालते हैं तो वो दूध फटता नहीं है। क्लियर, तो मिल्क में क्या करते हैं बेस को ऐड कर दिया जाता है जिससे कि वो फटे ना और दूध आपका प्रिजर्व रह जाए। ठीक है, तो क्या होता है पीएच के लिए अगर बात करें, इन मिल्क बेस इज एडेड, जनरली हम बेकिंग सोडा कहते हैं है ना, बेकिंग पाउडर के लिए एडेड, ठीक है बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, एडेड सो दैट इट्स पीएच डज नॉट डिक्रीजेस which will decreases which तो ठीक है ये which hence acting as a preservative, hence acting as a preservative for short term, short period के लिए ये preservative की तरह काम करता है। देखिए जैसे अगर हम बात करें अमूल पे बात करते हैं, अमूल जो है अमूल फैक्ट्री है वो कॉर्पोरेट फॉर्म में चलती है ना, तो बेसिकली क्या है उन्होंने बहुत सारे गांव में दूध वाले हैं उनसे मिल्क कलेक्ट करना है और लेके जाना है। ठीक है, तो अगर आप चीजें ये नहीं करोगे बेसिक नहीं बनाओगे उस चीज को तो दूध क्या होगा जब आप बॉइल करोगे वो फट जाएगा एकदम से, और जहां लैक्टिक एसिड से फट गया तो वो सारा दूध वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है इसमें बेसिस को ऐड किया जाता है, इंटेंशनली ऐड किया जाता है। क्लियर, तो बेसिस में ऐड किया जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एक और बताएं, तो हम जब बात करते हैं जो एंट स्टिंग होता है, जब आपको कोई मक्खी या चींटी काटती है तो वो बेसिकली उनका ना क्या है प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म है। तो जो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको काटती है वो बेसिकली जो काटा है स्टिंग जो है आपका वो एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, तो अगर आपको कभी किसी ने मधुमक्खी ने काट दिया
और वो स्टिंग जो है वो आपका एसिडिक है, वो आपके यहाँ पे स्वेलिंग करने लग जाएगा। तो उस स्टिंग के पेन को या फिर आप बात करें उसी स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एसिड जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतना ज्यादा स्वेल होगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसमें बेस के बेस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास रिसेंट अगर घर में बात करें तो घर में टूथपेस्ट होता है जैसे कोलगेट का जो वाइट वाला आता है, बिल्कुल है ना, वो लगाएंगे सही हो जाएगा, बेसिक फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक आप चीजें लगाओगे तो उसमें क्या होगा आपका वो बेस लगेगा, एसिड का न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और न्यूट्रलाइज होते ही आपका क्या होगा वो जो पेन है और आपका जो स्वेलिंग है वो रुक जाएगी उसी जगह पे। क्लियर? तो इस तरीके से आपके बहुत सारे पीएच, बहुत सारी जगह पे पीएच का कंसेप्ट यूज होता है, न्यूट्रलाइजेशन इन एसिड और बेसिस का यूज होता है। क्लियर, समझ आ गया होगा? चलिए फिर आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। चलिए ओके।